राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि साल 2020 में आरजेडी की सरकार बनाने के लिए सबको अपने आचरण और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि भगवान राम बनकर आपको सबरी के बैर खाने होंगे और कृष्ण की तरह सुदामा के चरण भी धोने होंगे, तब जाकर 2020 में हमारी सरकार बनेगी। राम बन के सबरी का पैर भी खाना होगा, कृष्ण बन के सुदामा का पैर धोना होगा, राम बन के सबरी का पैर खाना होगा। अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए, अच्छा आचरण रखे और लोगों को आप जोड़ने का काम कीजिए। तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि सबरी के बेर उनके पिता भी खाने का दावा करते थे, जिसका गरीब गुरबा की राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा। गरीब सवर्ण के 10% आरक्षण का विरोध करने वाली आरजेडी अकेली पार्टी थी और जनता अभी भी भूरा बाल साफ करो का नारा भूली नहीं है। जाहिर है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भूरा बाल साफ करो की बात सामने आना बिहार में जातिवादी राजनीति की गहरी जड़ों को बताने के लिए काफी है। दरअसल ये वही नारा था जिसके बूते लालू प्रसाद यादव ने लगातार 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने में कामयाब रहे थे। दरअसल साल 1990 का दशक पिछड़ी जातियों के उभार का दौर था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने अगड़ी जातियों के विरुद्ध भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। इसके बाद बिहार में जातिगत घृणा की राजनीति को पूरा हवा दी और इसका बिहारी जनमानस पर गहरा असर भी पड़ा। हालांकि लालू यादव की इस राजनीति को जेडीयू और बीजेपी जैसे अन्य दलों ने अपने लिए कैश किया और आरजेडी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने साल 2005 से बिहार में विकास की राजनीति को परवान चढ़ाया और बिहारी राजनीति की परिभाषा बदलने का प्रयास किया। लंबे दौर का अनुभव यही कह रहा है कि बिहार में अब सीएम नीतीश कुमार एक ओर जहां विकास की राजनीति का चेहरा हैं, वहीं वे प्रदेश में सर्व समाज के नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। सीएम नीतीश की इस छवि को बिहारी पसंद भी करते हैं और बदले दौर में सभी दल अक्सर इस तरह की राजनीति की बात करते हैं। बदले दौर में लालू यादव ने अपनी सवर्ण विरोधी छवि को बदलने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रकाशित उनकी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना किताब में उन्होंने सफाई दी है कि वे ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हैं और ना ही उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। इस किताब में उन्होंने नागेंद्र तिवारी जैसे अधिकारी को याद किया जिनकी वजह से वे पटना विश्वविद्यालय का चुनाव जीते थे, वरना दबंगों ने तो बैलेट बॉक्स तक नालियों और कचरों के डब्बे में डाल दिया था। उन्होंने आगे लिखा है कि भीख मांगते गरीब ब्राह्मण को देखकर भी उन्हें बुरा लगता है। हालांकि जब केंद्र सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आरक्षण देने को लेकर संविधान संशोधन किया तो बिहार में आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने इसका विरोध किया। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के इस फैसले का विरोध भी किया और पार्टी को बदले दौर की राजनीति की सलाह भी दी। माना जा रहा है कि एक वजह यह भी थी कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी सीट जीत नहीं पाई। इसके बाद शायद आरजेडी अपनी छवि बदलने की कोशिश में लग गई है। यही वजह मानी जा रही है कि आरजेडी ने प्रदेश में जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाया और खुद को सर्व समाज की पार्टी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में लग गई है। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।